सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर, प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदा में मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। राजाई पद के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। खेवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट यानी नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खेवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई, अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी, तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं, कल जरूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारका होगी, ओया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। बाबा कहे सोने का भारत होगा, सोने की द्वारका होगी, ओया भारत कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन सकता है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है, द्वारिका भी एक राजधानी है। कहते हैं जमुना नदी पर देहली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहां रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहां फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहां फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। जमुना नदी पर, जमुना के कंठे पर परिस्थान में सिर्फ लक्ष्मी नारायण का ही राजाई चलती है। चाहे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये राजाई सिर्फ जमुना के कंठे पर चलती है और कहीं नहीं। बाकी द्वारिका में बाबा कहे दूसरे राजाई जरूर होगी, लेकिन वहां दूसरे राजा का राज्य जरूर होगा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है ये सब स्वाहा हो जाता है। इसमें इस ज्ञान यज्ञ में ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं।
जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनास्टी ही दैवी डिनास्टी बनेंगे। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनास्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनास्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है, ये दुनिया नहीं जानती। बाबा कहे ये बात दुनिया के लोग नहीं जानते। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सन्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी बंदर मिसल थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरे, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहां की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहते हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो। बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है, अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है, पुकारते भी है हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। बेहद का बाप राम आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाप ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी है परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हैं? बाबा कहे ऐसे पूछो, यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राजाएं भी डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सत्युग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पतित दुनिया में है ना, फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गवाया है, वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं।
हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको दो बाप है, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। ये दो है, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता कि गीता का भगवान कौन? पहला प्रश्न पूछा, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न, फिर प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण, तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा, यह भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो, तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। लक्ष्मी नारायण को राज्य देने वाला परमपिता परमात्मा शिव है जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूं, ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहां सोने हीरों के महलों महल बनाएंगे, फिर वहां सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंच ते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे। ततत्व, बाबा कहे ततत्व। इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है, सभी रेस में है। लक्ष्मी नारायण की दौड़ी बाबा कहे तुम सबसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। ये कोई स्थूल रेस की बात नहीं है, योग बल की दौड़ी है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा सरस्वती कहा जाता है। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता
और जगत माता कहेंगे। यह स्त्री पुरुष तो हो न सके, ब्रह्मा सरस्वती स्त्री पुरुष तो हो न सके, यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहां पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा, तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। राजाई पद पाने के लिए है पढ़ाई का पुरुषार्थ, पवित्र रहने का पुरुषार्थ। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं, अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबर वार है, कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का, चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गया। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं, यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास, ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं, धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं इसलिए दान पुण्य करते हैं, तो गोया इंश्योर किया ना, दान पुण्य करना माना इंश्योर किया ना, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा, कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा, वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्म के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा, फिर जितना करो, बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा। वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है, शिव बाबा तो कहते सब कुछ मेरा तो बच्चों के लिए ही है, मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्म के लिए फल मिलेगा, चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे शाहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो, बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है, शिव बाबा को इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है, यह है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सन्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं, जितना इंश्योर करेंगे बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजा ही लेना। बाप का कैसे बनते हैं, कहते हैं बाबा हमारे पास यह है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है, अपना ममत्व नहीं रखो, ममत्व रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा, तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे, मेरे तो एक आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे, बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं,
सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए, अब बाकी थोड़ा समय है। यह बाबा का लॉन्ग बूट है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का लॉन्ग बूट है ना। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूं, मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूं, सुख करता दुख हरता हूं। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा, दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। बिंदु स्वरूप बाप, बिंदु स्वरूप आत्मा, दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते, क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। आज का स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। ओम शांति।